जय दोस्तों, वंदे मातरम। फूड डिलीवरी बिजनेस का जो पूरा आइडिया है उसने कहीं ना कहीं खान पान का जो धंधा है उसमें बहुत बड़ी क्रांति ला दी। जहां पर इसने कई लोगों के लिए रोजगार जनरेट किया है, तो वहीं जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं, जो होटलों के मालिक हैं, उनके भी व्यापार को और बढ़ाने में कहीं ना कहीं मदद ही करी। एक तरह से थोड़ा हम कमाएंगे थोड़ा तो तुम कमाओ वाले मॉडल के ऊपर काम करते हुए फूड डिलीवरी एप्लीकेशन जो है वो काम करती हैं और रोजगार दिलाने के साथ साथ लोगों के धंधों को भी काफी ज्यादा आगे तक बढ़ाने में मदद करती हैं। ऐसे ही जोमैटो और स्विगी जो कि भारत में ऑपरेट करते हैं, इन्होंने न्यू ईयर के दौरान डिलीवर किए हुए खाने के जो ऑर्डर्स थे उसके बारे में जो आंकड़े जारी किए हैं वो आंकड़े वाकई में मतलब आपकी आंखें फाड़ देंगे। न्यू ईयर के मौके पर एक छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ न्यू ईयर के मौके पर ही करीब करीब 15 टन बिरयानी खा गए हैं लोग, 15 टन, जो कि करीब एक ट्रक के बराबर होती है। 31 दिसंबर 2022 को जोमैटो और स्विगी ने फूड ऑर्डर सप्लाई करने में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जोमैटो पर सबसे ज्यादा बिरयानी के ऑर्डर आए। जोमैटो कंपनी के सीईओ दीपेंदर गोयल के मुताबिक 2022 के आखिरी दिन 16,514 ऑर्डर केवल बिरयानी के लिए मिले, जिनका वजन करीब 15 टन यानी एक ट्रक के बराबर हो गया। इतना ही नहीं, 31 दिसंबर को जोमैटो ने करीब 20 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर डिलीवर किए। नए साल पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी की बाढ़ सी आ गई थी। पार्टी फूड ऑर्डर के लिए जोमैटो और स्विगी ने 5 लाख से ज्यादा ऑर्डर पूरे किए। स्विगी ने 3.5 लाख बिरयानी और 2.5 लाख पिज्जा के ऑर्डर देश के कई हिस्सों में पहुंचाए। स्विगी को इसके बाद करीब 1.5 लाख बिरयानी के और ऑर्डर्स मिले। डोमिनोज इंडिया ने करीब 61,287 पिज्जा डिलीवर किए। सोचिए कि इन पिज्जा के साथ कितने ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के पैकेट भी गए होंगे। स्विगी के अनुसार करीब 14,000 पैकेट नाचोस, 15,000 लेमन और 15,000 सोडा भी डिलीवर हुए। इसके अलावा स्विगी ने भी 31 दिसंबर की शाम 6:30 बजे तक चिप्स के करीब 2.25 लाख पैकेट डिलीवर किए। जोमैटो ने कहा कि बीते वर्षों के मुकाबले इस बार फूड डिलीवरी में 47% इजाफा हुआ है। जोमैटो के सीईओ दीपेंदर गोयल के मुताबिक कोरोना के चलते पिछले 3 सालों में कारोबार ने जो मंदी झेली उसकी भरपाई साल के आखिरी दिन हो गई। मतलब आप खुद सोचिए, पूरी साल की कमाई हो गई। पिछले साल के आखिरी दिन जोमैटो को हर मिनट 186 बिरयानी के ऑर्डर मिले, वहीं इसी दौरान स्विगी को 137 ऑर्डर मिले। स्विगी के सीईओ श्रीहर्ष मजेठी ने बताया कि 31 दिसंबर को 1,22,000 यूजर्स उनके ऐप पर लाइव थे, यानी फूड आइटम्स ढूंढ रहे थे। उनका कहना था कि हम अपने कस्टमर्स को बेहतरीन सुविधाएं वक्त पर मुहैया कराने में कामयाब रहे। जोमैटो के सीईओ खुद 4 ऑर्डर डिलीवर करने गए थे, जिसमें से एक ऑर्डर बुजुर्ग दंपति के लिए था जो अपने पोते पोतियों के साथ नए साल का जश्न मना रहे थे। फूड डिलीवर करने के बाद जोमैटो के सीईओ ने कहा कि मैं ऑफिस अब वापस आ गया हूं। चलिए अब जरा जान लेते हैं डिलीवरी को लेकर चुनौतियां बढ़ रही उनके बारे में। दरअसल बीते 26 दिसंबर 2022 को नोएडा में जिला जज के स्टिकर वाली एक तेज रफ्तार कार ने फूड डिलीवरी करने जा रहे बाइक सवार परवेंद्र कुमार को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार डिलीवरी बॉय को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। 26 दिसंबर को ही दिल्ली मेट्रो स्टेशन जसोला विहार और शाहीन बाग के बीच ट्रैक पर ब्लड सैंपल ले जा रहा ड्रोन पक्षी से टकरा कर गिरा, तो 1 घंटे तक मेट्रो सेवा ठप हो गई। इस तरह के हादसों से जुड़े और भी कई सारे मामले दिल्ली, जोधपुर, इंदौर सहित कई शहरों में देखने को मिलते हैं। ऐसे हादसों की वजह से चाहे कुछ भी हो, लेकिन हाल के समय में चीजों की क्विक डिलीवरी का बढ़ता चलन कई तरह की चुनौतियों और जोखिम भी लेकर साथ में आया है। मोबाइल ऐप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्देशों के बीच कई महारथी सामान पहुंचाने की जद्दोजहद में सड़क पर उड़ते नजर आते हैं। आखिर उन्हें 10 मिनट के अंदर डिलीवरी जो करनी है, झटपट सर्विस देने वाली कंपनियों का टाइम ही नया टारगेट है। देखिए सीधी सी बात है, एक ऐसी शॉप जहां पर कस्टमर खुद चलकर नहीं आता बल्कि सामान डिलीवरी बॉय के जरिए ग्राहक तक पहुंच जाता है, आमतौर पर इस तरह की शॉप को डार्क स्टोर कहा जाता है। दुकान के अंदर ढेरों सामान अलग अलग खानों में रखा होता है, सभी खानों पर कोडिंग होती है ताकि ऑर्डर मिलने पर सामान ढूंढने में समय जाया ना। डार्क स्टोर में काम करने वाले लोग आपस में बात नहीं करते, क्योंकि सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस के हवाले होता है। कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं और उन ऑर्डर्स के मुताबिक इन स्टोर्स में सामान की स्लिप, पैकेजिंग और डिलीवरी का काम किया जाता है। डार्क स्टोर्स को ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियां एक तरह से माइक्रो सप्लाई सेंटर के तौर पर स्थापित करती हैं। हाँ, इतना जरूर है कि आपको डिलीवरी बॉय सामान लेकर दौड़ते भागते जरूर नजर आ जाएंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें अब डिपेंड करने लगी हैं मार्केट साइज के ऊपर। अगर हम लोग क्विक कॉमर्स का मार्केट साइज देखें, 2021-22 में जहां ये 5,740 करोड़ था, तो वहीं अभी 2024-25 तक बढ़कर करीब करीब 33,620 करोड़ हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल के साथ आया है और इसीलिए कई लोगों का ध्यान भी अब इसकी तरफ जा रहा है। और आप देखेंगे कि बड़े बड़े शहरों में कई सारे प्लेयर्स एक साथ उतरने लगे। लेकिन जो भी हो, इससे लोगों की सहूलियतें बढ़ रही हैं। लेकिन लोगों की सहूलियत को बढ़ाते बढ़ाते जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं असहूलियत भरा होता जा रहा है, कि जिस तरह का टाइम का टारगेट, टाइम फ्रेम का टारगेट हम लोगों को दिया जा रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा घातक सिद्ध होता जा रहा है धीरे धीरे।
आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।